इस वक्त उस एरिया में मौजूद हैं जो कि मैसिव रिप्टाइलियन टेरिटरी रखता है और यहाँ पर रिप्टाइल्स डीप नेस्टिंग रखते हैं, क्योंकि समर सीज़न के ये हॉट डेज चल रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि रिप्टाइल्स के लाइफस्टाइल के लिए कठिन हो सकता है। यहाँ पर ये जो झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये रिप्टाइल्स का मस्कन ही नज़र आ रही है, तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पर कि कुछ अगर रिप्टाइल मिल ही जाए तो। ये हमें एक दिल नज़र आया है, ये एक होल है, लगता तो रिप्टाइल का ही है, स्लो मूविंग रिप्टाइल का ये ट्रैक बना हुआ है। तो क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है समर में और इस समर में ये एग ले करते हैं, और इनके लिए जो मौजू सीज़न है हैचलिंग जिसमें करते हैं वो स्प्रिंग सीज़न है। तो ये क्योंकि दर्जा हरारत में कमी हुई है तो ये अभी से कहीं खुराक की तलाश में यहीं से गुजरा है, तो देखते हैं इसको हैं कि ये हमें कैमिलॉन लिजर्ड मिला है जिसे आप क्रिकेट भी कहते हैं। ये लिजर्ड पाकिस्तान और भारत में पाए जाने वाली एक नयाब स्पीशीज है जो कि यूनिक है, दुनिया में तो इसकी 20 से ज़्यादा अकसाम पाई जाती हैं। ये मोशन में बहुत क्विक होता है, अपनी जगह पर रहकर 360 डिग्री के एंगल से अपने सर को घुमाता है और दुश्मन की हरकत और सकनात पर तवज्जो रखता है। उसके अलावा ये है कि ये कलर चेंजिंग एनिमल है, ये किस वक्त कलर चेंज करता है, ये जब अपने शिकार को देखता है तो गुस्से की हालत में ये अपने कलर चेंज करता है, और कलर चेंजिंग एक पैटर्न की सूरत में करता है जो कि ग्रीन, रेड, येलो, डार्क ग्रे। तो लेकिन पाकिस्तान और भारत में ये स्पीशीज कलरलेस है। उसके अलावा ये है कि ये सुबह के वक्त इसका कलर डार्क होता है, लेकिन जब ये सूरज के साथ साथ अपने आप को कलर चेंजिंग करता रहता है इसका जो शाम के वक्त ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त भी अपने शिकार पे नज़र रखे हुए है। अच्छा, इसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि ये जब आप इसको तंग करेंगे तो ये आपको काट भी सकता है, लेकिन इसके काटने का असर उतना हो सकता है जितना कि एक मच्छर के काटने से हो सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएँ।